मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। कोई भी साउथ इंडियन रेसिपी तब तक अधूरी लगती है जब तक कि उसके साथ नारियल की चटनी ना हो, तो फिर देर किस बात की। चलिए आज बनाना सीखते हैं बोल्ड स्काई किचन में नारियल की चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए करीब आधा कच्चा नारियल, जिसे कि हमने टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए करी पत्ता लीव्स, कम से कम 20-25, 6-7 पुदीने की पत्तियां, अदरक आधा टीस्पून, किशमिश 1 टीस्पून, आधा चम्मच चीनी, नमक ज़रूरत के मुताबिक, हरी मिर्च 3 से 4 और आधा कप दही। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालें और एक बार दरदरा पीस लें। इसके बाद जार का ढक्कन खोलें और आप जैसी भी चटनी चाहते हैं, गाढ़ी या फिर पतली, उसी के हिसाब से पानी ऐड कर दें। एक बार फिर से मिक्सी को अच्छी तरह से चला लें। अब आप देख सकते हैं चटनी पिसकर तैयार है। अब इस नारियल चटनी को जार से एक बाउल में पलट लें। तैयारी करते हैं अब नारियल की चटनी के तड़के की। इसके लिए सबसे पहले आँच पर एक पैन को गर्म करें, फिर इसमें 1 चम्मच शुद्ध नारियल का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल डालें। तेल गर्म होने पर इसमें डालें 1/2 चम्मच सरसों के दाने, 1/2 टीस्पून धुली उड़द की दाल, 1/2 टीस्पून चने की दाल। अब इसमें डालें 8 से 10 करी पत्ता लीव्स, साथ ही डालें 1 से 2 साबुत लाल मिर्च। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला लें। तैयार है नारियल की चटनी के लिए तड़का। अब इस तड़के को नारियल की चटनी के ऊपर डालिए और चटनी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। लीजिए, बनकर तैयार है नारियल की चटनी। इस चटनी को आप 2 से 3 दिन फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर साउथ इंडियन स्टाइल में बनी इस नारियल की चटनी का मज़ा आप किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी के साथ उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं नारियल चटनी बनाने की ये आसान सी विधि आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इस नारियल की चटनी को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही कुछ आसान सी बढ़िया सी रेसिपी के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।